नमस्कार, न्यूज आज की इस खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवरात्रि के मौके पर पत्नी साधना सिंह के साथ कन्याओं का पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेटियां निर्भय रहें, सम्मान के साथ जीवन जिएं। जब बेटियों का सम्मान होगा तभी प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। वहीं इस मौके पर सीएम गुंडे बदमाशों पर सख्त होते नजर आए। उन्होंने दो टूक कहा कि पूरे प्रदेश में गुंडों की धुलाई का अभियान जारी है। माता बहन और बेटी पर बुरी नज़र रखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे बदमाशों की धुलाई और ठुकाई जारी रहेगी। साथ ही आपराधिक तत्वों की संपत्ति को जमींदोज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने छेड़छाड़ करने वाले बदमाशों को हिदायत देते हुए कहा कि वे सुधर जाएं, झुक जाएं, गलत काम करना छोड़ दें, महिलाओं का सम्मान करें। बिना शक्ति की उपासना के ये सृष्टि नहीं चल सकती। और शक्ति की उपासना करना है तो बेटियों की उपासना करना पड़ेगा, बेटियों की पूजा करना पड़ेगा। बिना बेटियों के ये दुनिया नहीं चल सकती। आज हम अपनी बेटियों की श्रद्धा के साथ पूजा कर रहे हैं। मामा के रूप में मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं भी बेटियों और बहनों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ना। उन योजनाओं को गिनाने की आज आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि एक तरफ हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गुंडों की धुलाई का अभियान जारी है पूरे प्रदेश में। माता बहन और बेटी की तरफ बुरी नजर उठाने वाले, छेड़छाड़ करने वाले, गड़बड़ करने वालों, बदमाशों धुलोगे, गुंडों ठुकोगे और जिस इस तरह के जो आपराधिक तत्व है उनकी संपत्तियां भी जमींदोज कर दी जाएगी। छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है ये सरकार। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।